वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस बार का जो वीडियो है वो हॉल होने वाला है ब्लाउज़ कलेक्शन का। तो जैसे कि आपके कमेंट आ रहे थे ना कि कुछ ब्लाउज़ के पीसेस लेके आइए, और मैंने ना पर्सनली अपने ब्लाउज़ के, जैसे आप लोगों को कहना था कि अपने डिज़ाइन आप शेयर करो, तो मैंने अपने डिज़ाइन आपसे शेयर किए थे जो पार्ट वन पार्ट टू करके आपके पास आया था। लेकिन जो ये ब्लाउज़ मैं कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सारे मीशो से ऑर्डर किए थे जो आपके कमेंट के बेस पे ही हैं। तो चलिए, ये सारी बातें आपसे होती रहेंगी, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है, और कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट ब्लाउज़ आपको दिखा देती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने इसको एक ब्लू कलर की साड़ी पर वेयर किया, मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा। आप ये सामने से देखोगे तो इसका ना ये वी नेक के अकॉर्डिंग गोल गला जैसे देते हैं ना, थोड़ा सा राउंड में से नोक आता है, उस टाइप का आपको नेक मिलने वाला है। थोड़ा सा नेक बड़ा है लेकिन अच्छा है, आप उसको अगर अच्छे से साड़ी पे वेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सामने का नेक इस तरीके का मिलता है। पीछे की नेक की बात करें तो बहुत ही प्यारा सा ऐसे पीछे साइड नेक दिया हुआ है। ये यहाँ से जॉइंट है जो स्टिच किया हुआ मिलता है आपको। आप इसको ओपन करवा सकते हो, ओपन करके इसको जो डोरी आपको मिल रही है ना इसको बांध सकते हो, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि इस तरीके से ना मैं आराम से इसको वेयर कर पा रही थी। यानी मैंने ऊपर से ऐसे डाल लिया था और ये डोरी ऐसी लटकी हुई मिल रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि सेपरेट, मतलब ऐसा अच्छा सा फील हो रहा था कि हाँ पूरा से अच्छे से। और इसमें ना हमको ना सामने साइड इसमें पफ मिलता है, पफ बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिगर अच्छा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार होता है जो ऑनलाइन हम लोग पीसेस मंगवाते हैं उसके पव अच्छे नहीं होते, तो पव इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ। अब इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसमें ना दूर दूर पे आपको मिरर मिलेंगे, जो ओरिजिनल मिरर इसमें लगे हुए हैं। पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। और ये जो ब्लाउज़ था ना, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसकी स्लीव इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे कहीं से चुभ उस तरीके से नहीं चुभ रहा था जिस तरीके से चुभती हैं ये सारी ब्लाउज़ें, तो मुझे बहुत प्यारा सा पीस लगा। हाँ, इसकी तुलना अपन शिफॉन और कॉटन की ब्लाउज़ से नहीं कर सकते क्योंकि ये फैंसी ब्लाउज़ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लुक लग रहा था। जिसमें सबसे प्यारा कलर की जो बताएं ना, तो सबसे प्यारा कलर इसका ब्लू कलर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसको किसी भी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो। अगर कुछ अदर पहनना है उसके साथ वेयर करना है, कोई प्लेन साड़ी है उसके साथ अगर ये वेयर करते हो तो भी बहुत प्यारे लगोगे। मुझे ये बहुत प्यारा सा पीस लगा। मैं इसका जब मैंने इसका गेटअप लिया था ना, तो मैंने थोड़ा सा एक जूड़ा टाइप का बनाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं आता इस टाइप का कुछ पहनना, लेकिन फिर भी मैंने ना कोशिश किया कि मैं कुछ ऐसा लुक लेती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ, कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। तो ये मैंने ब्लाउज़ पर से किया। इसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, इसका कोड मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जाइए इसको ऑर्डर कर लीजिए, आपको अच्छा मिलेगा। आपके पास जो भी कलर ना हो ना आप उसको ऑर्डर करिए। अब सेकेंड पीस की तरफ चलते हैं। सेकेंड पीस ये ब्लाउज़ के तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉप टॉप भी या जीन्स पे भी यूज़ करते हो। मैंने इसको एक ब्लाउज़ के तरह यूज़ किया। फ्रंट की बात करूँ तो इस तरीके से चौकोर गला मिलता है, नेक मिलता है हमको, और सामने ना ऐसा हमको बटन मिलती है। ऑरेंज कॉटन जो खादी कॉटन सॉफ्ट वाला होता है ना, उसमें ये फैब्रिक है, बहुत प्यारा सा फैब्रिक दिया हुआ है। स्लीव की बात करूँ तो फुल स्लीव मुझे यहाँ से मिली है, यहाँ शर्ट पैटर्न टाइप की स्लीव, जैसे शर्ट में बटन होती है उस तरीके से बटन लगी हुई हैं। और इस स्लीव में ना हमको इस तरीके का चुन्नट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर ना हमें चुन्नट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। और ना पीछे साइड की बात करूँ तो पीछे साइड भी ना हमको ऐसा चौकोर सा गला मिलता है। इसमें जो मैंने साइज़ मंगवाया वो एम मंगवाया, क्योंकि ये मैंने ना एक बार जीन्स पे भी वेयर किया था और उसके बाद ना मैंने एक बार साड़ी पे भी वेयर किया, मतलब मुझे इस टाइप का पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने साड़ी पे भी इसको वेयर किया था, तो मुझे बहुत प्यारा सा ये पीस लगा। रेंज वाइज भी बहुत अच्छा था, इसके कलर कॉम्बिनेशन नहीं थे, ये सिंगल कलर था। अगर अभी आ गया होगा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये सिंगल कलर था। अगर आपको मतलब कि अच्छा लगे ना, अगर आप पहनना चाहो किसी भी स्कर्ट या जीन्स या इस टाइप से कुछ पहनना चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा पीस है। इसका प्राइस, इसका कोड, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने थर्ड पीस के तरफ। जो थर्ड पीस है ना वो ऐसा मैंने ब्लू कलर का मंगवाया है। आप स्क्रीन पे पहले इसका स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैंने अलग पीस मंगवाया था, ऑर्डर किया था जो मुझे अच्छा लग रहा था, बट मेरे पास इस टाइप का पीस आया है। सामने से देखो कि आप वी नेक दिया हुआ है। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड आपको गोल गला मिलता है, जिसके साइड ऊपर साइड ना ऐसे आपको हुक मिलती हैं, जिसमें इस तरीके का ना कपड़े से ही हमको ऐसे
पम्पम बने हुए हैं, ऐसे कपड़े से फैब्रिक से ही बने हुए हैं, और नीचे साइड आप देख रहे हो तो इस तरीके की दो डोरियाँ दी हुई हैं। मैंने इसको एक साड़ी पे पहना हुआ है तो आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा इसमें ना जो हमको साइड में कपड़ा होता है ना वो कम छूटा हुआ है, यानी कि जब ये देखिए आप राउंड हो रहा है तो बहुत ही कम कपड़ा है। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा यहाँ तक आगे तक होता तो ये अगर डोरी लगी होती तो ये थोड़ा सा परफेक्ट रहता, क्योंकि इसमें पफ वगैरह तो काफ़ी अच्छे दिए हैं, कॉटन का फैब्रिक भी अच्छा है, सिला भी अच्छा है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है, बट ये जो साइड से ओपन बहुत ज़्यादा है ना तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, आप कहीं पहनने के जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगेगी इसके कारण। बट ब्लाउज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो तो उसका स्क्रीनशॉट है और उसका प्राइस है, उसका लुक है, ये मुझे अलग गलत यूज़ हो गया था, मतलब गलत मिल गया था, सॉरी, तो मैंने इसको आपको वेयर करके बताया। इसको हो सकेगा तो मैं रिटर्न करूँगी, क्योंकि मुझे ये साइड से जो ओपन दिख रहा है ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये गड़बड़ है, लेकिन ये डिज़ाइन जो थी ये डिज़ाइन बहुत प्यारी थी। ये डिज़ाइन मेरे को दिखाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में, आप इस डिज़ाइन को बनवा सकते हो, बट थोड़ा सा देख के कि आप फैब्रिक किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अब चलते हैं अपने अगले पीस की तरफ। ये मैंने ना ये भी ना आप किसी भी स्कर्ट पे भी यूज़ करते हो, लेकिन ये ब्लाउज़ है। नेक की बात करूँ तो नेक आपको ऐसा वोट नेक मिलता है, सामने इस तरीके से प्यारी सी डिज़ाइन मिलती है जो कॉटन के कपड़े की है। इसमें प्लेन मतलब कपड़ा आप प्लेन साड़ी अगर यूज़ करते हो ना तो बहुत प्यारे लगोगे इसी कलर से। इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर आप मंगवा सकते हो जो आपके पास साड़ी हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट कलर। और इसके स्लीव की बात करूँ तो इस तरीके से हमको ना स्लीव मिलती है, जिसमें कि ना थोड़ा सा चुन्नट चुन्नट से दी हुई है, फ्रिल दिए हुए हैं स्लीव में। अगर ना इसके में ना हमको मिलता है जो पफ लगा हुआ है तो पफ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक बहुत छोटा है, तो आप ना इसका पफ निकाल लीजिए तो आपको फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और साइड में ना हमको इस तरीके से इसमें चैन दिया हुआ है, मतलब जब आप पहनते हो ना तो साइड में ऐसी चैन दी हुई है, आप इसको ओपन करके आराम से पहन सकते हो, इसमें इसमें पफ की या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये लुक वाइज बहुत अच्छा है, सिंपल सोवर टाइप का है। मैंने तो किसी भी साड़ी के साथ एक बार आपको वेयर करके बता दिया, इसका कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास नहीं था, बट आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ पहनोगे तो ये बहुत अच्छा पीस लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का है जो डिज़ाइन हम लोग चाहते हैं। अब अपने अगले अगर पीस के तरफ चलूँ ना तो इसको दिखा तो रही हूँ, बट उससे पहले आपको साइड में ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, उसको फटाक से जाओ फॉलो कर लो, क्योंकि इन सब के गेटअप वहाँ पे मिलेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको वहाँ पर मिलने वाला है। मैं सारी चीज़ों के लुक वहाँ पर क्रिएट करती रहती हूँ, अपडेट रहती हूँ, तो सब चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, तो फटाक से जाओ उसको भी फॉलो कर लो। अब अपने ब्लाउज़ को दिखाऊँ ना तो ब्लाउज़ जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का मैंने मंगवाया हुआ है, जिसमें नेक आपको मिलेगा, वी नेक मिलने वाला है। इसमें ना ये जो मिरर टाइप का आप देख रहे हो ना, ये रियल मिरर नहीं लगा हुआ है, और इसके साथ ना ये ग्रीन रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में इसमें धागे का वर्क हुआ है। स्लीव की बात करें तो ये स्लीवलेस हमको रिसीव हुआ है, लेकिन अंदर ना ऐसा हमको स्लीव का कपड़ा मिलता है, बट स्लीव का कपड़ा इसमें स्टिच मत कराइए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा यहाँ तक कि स्लीव आती है, स्लीवलेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी हमको पफ लगा हुआ मिला है, पफ की क्वालिटी अच्छी है, आप इसको पहन सकते हो। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड ना हमको ऐसा मतलब ऐसे सिलाई करके दे दिया गया है, आप अंदर ऐसा हुक लगा है, आप उस सिलाई को ओपन करेंगे, जैसे ये ओपन हो रहा है उस सिलाई को ओपन करिए फिर हुक लगा लीजिए, और इसमें ना इस तरीके की डोरी दी हुई है। तो ये जो डोरी लटकन देख रहे हो ना आप, ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसमें कोई भी प्लेन साड़ी आप पहनते हो ना, जैसे येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, किसी भी कलर की साड़ी आप प्लेन पहनते हो तो ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादातर ये ना ऑरेंज और येलो और रेड के साथ ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा खिलने वाला है। तो ये इस ब्लाउज़ मुझे अच्छा लगा, इसका भी प्राइस और स्क्रीनशॉट मेंशन हो रहा है, कोड मेंशन हो रहा है, आप इसको भी देख सकते हो। इसमें भी कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, इसमें शायद यही है सिंगल कलर, मैंने शायद स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ना, आप देख लेना, मेरे हिसाब से यही है, मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था। अब अपने सबसे लास्ट पीस के तरफ चले ना तो लास्ट पीस आप मेरे देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया ब्लू कलर मैंने मंगवाया था, सेम वैसे ही मैंने ये मंगवाया हुआ था, बट ये थोड़ी सी क्वालिटी मुझे डिस्टर्ब लगी, क्योंकि इसका नेक ना वैसा तो है बट ये थोड़ा सा ना और ज़्यादा मुझे फैला टाइप का लग रहा था, नीचे से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो ये आपको इस तरीके का मिलने वाला है, बैक भी सेम आपको इसी तरीके का मिलेगा। ये क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, मेरा तो मन है कि मैं काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन इसके मंगवाऊँ, क्योंकि मुझे यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे ब्लाउज़ों में करना पड़ता है, मतलब ब्लाउज़ पहनना पड़ता है, जो कई साड़ियों में पहनना पड़ता है, तो ये मुझे अच्छा लगा।
अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर ऑर्डर करिए, और इसमें से कौन सा ब्लाउज़ आपको पसंद आया वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस टाइप का वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी। मुझसे इस वीडियो में क्या गलती होती है या फिर क्या गलती मुझे किसी भी वीडियो में होती है वो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं सारी चीज़ें सही बताऊँ आपको, कुछ गलत भी मुझसे हो सकता है, कुछ वीडियो में गलती भी हो सकती है, तो आप वो मुझे बता सकते हो। मैं चाहूँगी अगला वीडियो आपकी पसंद से हो, कोई भी गलती ना हो। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।